हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अर्शद, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में बात करने वाले हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या रूट रहेगा, क्या अपडेट है, सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे लगभग 610 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में झारखंड में 203 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बनने से वाराणसी से कोलकाता के बीच की दूरी 7 घंटे की ही रह जाएगी। और आपको ये भी बताते चले, वाराणसी से पश्चिम बंगाल के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे कुल 4 राज्यों से होकर गुजरेगा, यूपी, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल। इस एक्सप्रेसवे के लिए झारखंड में भूमि अधिग्रहण होने लगा है। यह एक्सप्रेसवे झारखंड के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, हजारीबाग, चतरा जिला से गुजरेगी। लगभग 610 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में झारखंड में 203 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण किया जाएगा। और जान लीजिए इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा और इसका क्या रूट रहेगा। 610 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 28,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का ज़्यादातर हिस्सा पश्चिम बंगाल में ही बनेगा। इसके तैयार होने से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा होगा। एक्सप्रेसवे बनने से यूपी, बिहार और झारखंड में व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी, बिहार और झारखंड में कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह से ही माल लाया और ले जाया जाता है। और आपको ये भी बता दें, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बरहोली गाँव में वाराणसी रिंग रोड से शुरू होगा। बरहोली गाँव उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मौजूद है। यूपी में वाराणसी एक्सप्रेसवे केवल 22 किलोमीटर ही बनेगा। चंदौली जिले से यह बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिला से गुजरने के बाद एक्सप्रेसवे झारखंड में प्रवेश करेगा। झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पीटरबाग और बोकारो से गुजरेगा। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा और आरामबाग से होकर गुजरेगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे उलबेरिया में नेशनल हाईवे 19 पर जाकर के समाप्त होगा। उलबेरिया कोलकाता से कुछ ही दूरी पर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH 6 लेन वाले वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण में बोलिया आमंत्रित कर रहा है। झारखंड में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 187 किलोमीटर है। झारखंड में इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 8,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। झारखंड में 6 हिस्सों में निर्माण के लिए एजेंसियों का चयन कर लिया गया है और औपचारिकताएँ पूरी कर जल्द निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।